नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गागर में सागर, कच्चा चिट्ठा, अभिनव सीरीज सबके माध्यम से आपके लिए खूब सारा मटेरियल डाल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये मटेरियल आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आदमी के अंदर नॉलेज जो है, यानी नॉलेज ही उसकी क्या होती है, पावर होती है, यानी ज्ञान ही उसकी क्या होती है, ताकत होती है। तो आप अपनी ज्ञान की जो ताकत है उसका लोहा मनवाते हुए लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का खूब सारा मटेरियल जो है दोस्तों, वो आप क्या करें, याद करें और इस मटेरियल को आप अपने जीवन का आधार बनाएं दोस्तों। और अगर आप इसको आधार बनाने में कामयाब होते हैं तो आप ही समझ लीजिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट में आपकी कमांड जो है वो पूर्णतया होगी। आप ही समझ लीजिए दोस्तों, यूजीसी नेट मान लीजिए या अन्य भारत में आयोजित जो भी DSSB, KVS या अन्य कोई भी एग्ज़ाम्स जो हैं उनके माध्यम में, उन सभी में आप क्या कर सकते हैं, इन वीडियो के माध्यम से आप अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, सब आदमी बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है, ठीक वही प्रक्रिया है। देखो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है वो आदमी को एक विशालतम आधार स्तंभ प्रदान करता है और उस आधार स्तंभ को आप यूँ ही बनाए रखिए और कोशिश कीजिएगा कि आप हमारी वीडियो से सीखें, अन्य जो भी यूट्यूब चैनल है उनके माध्यम से भी आप सीखते रहें। दोस्तों, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, आप यूँ समझिए कि हम मुकाबला रहित हैं। और उम्मीद करता हूँ कि भगवान की कृपा हुई तो इस बार जो नेट का जो पेपर हो जल्दी हो, कोरोना जो महामारी है ये थोड़े दिनों बाद समाप्त हो पूर्णतया, और अपना लाइब्रेरी ग्रेड 3 का भी पेपर हो, साथ ही जो UGC नेट जैसे एग्ज़ाम हो वो भी हो, जिससे कोई मेरे जैसे जो अन्य लोग जो GRF की तैयारी कर रहे हों उनका भी GRF कम्प्लीट हो सके। तो आज की टेस्ट सीरीज़ के साथ में अपन पुनः परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनता है दोस्तों अपने आज के टेस्ट सीरीज का, वो बनता है PPBS, यानी PPBS बोले तो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ सीधा सा उत्तर बना लेना है दोस्तों, किससे संबंधित है, बजट निर्माण से क्या है संबंधित है। दोस्तों, बात करेंगे रॉबर्ट मैकनामारा की, और ये रॉबर्ट मैकनामारा है दोस्तों, ये सन 1961 में USDOD यानी US का, यानी यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में क्या करते हैं, इस बजट का सर्वप्रथम निर्माण करते हैं। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट बजट निर्माण की विधि है जिसकी हमने क्या है पूर्व में जो वीडियो डाले उनमें चर्चा की है। तो आप पूर्व के वीडियो को भी भलीभांति देखो, जितने भी वीडियो डाले हुए हैं वो सारे के सारे आपके लिए सारगर्भित हैं। उन वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो उतने ही आपको क्या हो जाएंगे, लाइब्रेरी का जो ज्ञान है वो आपका क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्तों, पुस्तकालय में पढ़लेख बोले तो डॉक्यूमेंट को रखने के स्थान को क्या कहा जाता है, तो डॉक्यूमेंट को रखने के स्थान को दोस्तों स्टैक्स कहा जाता है। कुछ जगह दोस्तों इसके लिए रेक्स लिखा हुआ रहेगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, रेक्स जो है वो पत्रिकाओं के लिए भी रखी जा सकती है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पढ़लेख की, यानी डॉक्यूमेंट की, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और इसका उत्तर आप क्या मानेंगे, स्टैक्स मानेंगे। दोस्तों, आप यूँ समझो कि ये जो निदानियाँ या अलमारियाँ होती हैं इनसे भी एक प्रश्न पकाने की संभावना रहेगी। और यहाँ से देखो, इस तरीके के प्रश्न भी बन सकते हैं, जैसे एक पुस्तकालय में अलमारी, यानी एक पुस्तकालय में स्टॉक रूम कहाँ होता है, ऐसा हो सकता है पूछा जा सकता है। एक पुस्तकालय में अलमारियाँ जो होती है इनका कितने प्रकार की होती हैं या कैसी होती हैं, साथ ही पूछा जा सकता है इनकी ऊंचाई क्या होती है। तो आप याद रखिएगा, कबूतर खानानुमा या सीढ़ी नुमा क्या होती हैं, अलमारियाँ होती हैं। लकड़ी की अलमारियाँ देखने में आकर्षक लगती हैं लेकिन उनमें क्या है, उनमें दीमक लगने का खतरा बना रहता है। तो याद रखना है आपको, इसलिए वहाँ में एक लाइब्रेरी में लोहे की अलमारियाँ क्या ली जाती है, काम में ली जाती है, यानी दीमक से बचाने के लिए किसकी अलमारियाँ काम में ली जाती हैं, लोहे की अलमारियाँ काम में ली जाती हैं। और याद रखना है दोस्तों, साथ ही ये अलमारियाँ जो है, अगर बात करें इनकी मानक ऊंचाई चौड़ाई लंबाई की, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, यानी इस प्रकार की अलमारियाँ हैं। और मैंने कि पूर्व के वीडियो में आपको कई बार ऐसा बताया है दोस्तों कि ये इस प्रकार की अलमारियाँ जो हैं, इन अलमारियों का आपको ध्यान रखना, इनकी मानक ऊँचाई, तो इनकी मानक ऊँचाई जो है वो लगभग 6.25 फीट, मानक ऊँचाई लगभग क्या है भाई, 6.25 फीट, लेकिन अधिकतम ऊंचाई जो है वो 7 फीट 6 इंच तक इनकी क्या हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है। बात करें दोस्तों इनकी चौड़ाई, तो इनकी चौड़ाई जो बात करें दोस्तों, तो ये 3 फीट तक की हो सकती है, साथ ही इनकी गहराई की बात करें यहाँ की, तो ये 8 से 9 इंच तक की क्या हो सकती है, इनकी गहराई हो सकती है। तो दोस्तों, विशिष्ट विवरण है ये, इस विशिष्ट विवरण को आप एक बार देख लेंगे, या पहले हमने एक लाइब्रेरी डिस्प्ले नाम से एक वीडियो डाला है, तो लाइब्रेरी डिस्प्ले में भी आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दोस्तों,
लाइब्रेरी डिस्प्ले इम्पोर्टेंट है, और लाइब्रेरी डिस्प्ले आप यूँ समझो कि यूँ समझ लो कि ये एक इस प्रकार का वीडियो है जिसमें जो भी अंकों से जुड़े हुए स्वरूप है, जैसे 6.25 फीट, 7 या 8 से 9 इंच, या 7 से 7 फीट 6 इंच, और 7 ही 3 फीट, ये सारे आंकड़े तो आपको मिलेंगे वहाँ पर। आपको पता भी चलेगा कि एक कैटलॉग कार्ड क्या होता है, या कैटलॉग कार्ड के साथ में एक कैटलॉग कार्ड ट्रे क्या होती है, कितने कार्ड रखे जा सकते हैं, साथ ही परिचालन पटल किस आकृति के होते हैं, ये सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, लाइब्रेरी डिस्प्ले वीडियो में मिल जाएंगे। आगे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ग्रंथालय जिलबंदी, ग्रंथालय सामग्री को यानी पुस्तकालय जिलबंदी, पुस्तकालय सामग्री को टिकाऊपन प्रदान करने हेतु या लंबे समय तक क्या रखती है, मजबूती प्रदान करने हेतु क्या की जाती है, काम में ली जाती है या प्रयोग में ली जाती है। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसके आगे प्रश्न बनता है, वो बन जाएगा कि ग्रंथालयों में ग्रंथों के खोने यानी पुस्तकालय में पुस्तकों के खोने की सूचना किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी स्टॉक वेरिफिकेशन बोले तो भौतिक सत्यापन के द्वारा एक पुस्तकालय का जो अनुरक्षण विभाग जो है वो जानकारी करता है कि एक पुस्तकालय से कौन सी पुस्तकें खो चुकी हैं, या कौन सी पुस्तकों को मरम्मत की आवश्यकता है, कौन सी पुस्तकें ऐसी हैं जो अब उपयोग के लायक नहीं बची हैं, तो उनको जानने का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है, किस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो वो आप याद रखिएगा दोस्तों, वो अनुरक्षण विभाग बोले तो मेंटेनेंस सेक्शन के द्वारा किया जाता है। और बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है कि किसके द्वारा ग्रंथालय प्रबंधन यानी पुस्तकालय प्रबंधन बोले तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत वर्गीकृत किए गए हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्गीकृत करना बता रहा है, यानी बात कर रहा है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या करता है, ये क्लासीफाइड करने की बात करता है। ये करने वाला कौन है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ईजे इवांस हैं। लेकिन अगर कहीं प्रश्न कर लिया जाए वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड बनाने वाला कौन था, तो वहां पर आपको नाम याद रखना है F.W. Taylor का, और वर्गीकृत करने में नाम याद रखना है किसका भाई, ईजे एवांस का। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, ग्रंथालय यानी ग्रंथ जिल्दबंदी जो है यानी बोले तो पुस्तकों की जो बाइंडिंग जो है वो किस विभाग की गतिविधि है। तो बाइंडिंग की बहुत बार चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, अनुरक्षण विभाग की क्या है भाई गतिविधि है, मेंटेनेंस सेक्शन करता है, और जो पुस्तकों को अत्यंत मरम्मत की आवश्यकता होती है या जो उपयोग के लायक नहीं रहती है उन पुस्तकों को पुस्तकालय संग्रह से बाहर कर दिया जाता है, और प्रतिवर्ष 1000 पुस्तकों पर 5 पुस्तकें क्या कर दी जाती है, पुस्तकालय संग्रह से बाहर कर दी जाती है, जिनको पुस्तक विदाई के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये पुस्तक विदाई करने का कार्य जो है वो एक पुस्तकालय का अनुरक्षण विभाग करता है, लेकिन इसका जो विशेषाधिकार की बात करें दोस्तों, तो वो विशेषाधिकार जो है वो पुस्तकालय समिति के पास होता है। किसके पास होता है भाई, पुस्तकालय समिति के पास होता है। तो आप क्या रख लेंगे, इसको याद रख लेंगे। आगे दोस्तों प्रश्न बनता है अपना कि अधिग्रहण कार्य में क्या क्या सम्मिलित है, यानी पुस्तकों का जब अपन एक्विजिशन करते हैं, पुस्तकों का क्या करते हैं भाई, एक्विजिशन करते हैं, तो एक्विजिशन कार्य में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक्विजिशन कार्य में चयन अवाप्ति और परिग्रहण क्या है, तीनों संबंधित है। यानी पहले पुस्तकों का चयन करना, उनको फिर प्राप्त करना, और प्राप्त करके उनको क्या प्रदान करना, परिग्रहण संख्या प्रदान करना, ये तीनों कौन से कार्य में संबंधित है। तो आप याद रखेंगे ये एक्विजिशन वर्क में क्या है, तीनों चीजें शामिल है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, आगे एक प्रश्न बनता है, यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो गलत लगा हुआ है, तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ग्रंथालय प्रबंधन यानी पुस्तकालय प्रबंधन या लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आवश्यकता सिद्धांत किसकी देन है। तो दोस्तों आप याद रखना है, इब्राहिम मेस्लो का क्या है भाई, नीड थ्योरी की बात करें दोस्तों, तो नीड थ्योरी का जनक कौन है, वो इब्राहिम मेस्लो है। यहाँ पर तीन उत्तर लगा हुआ है, उसको काट के आप क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे, और इब्राहिम मेस्लो जो है ना, उसको आप याद रखेंगे दोस्तों, वो क्या है, नीड थ्योरी या आवश्यकता सिद्धांत का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। साथ ही दोस्तों और यहाँ से कुछ एक प्रश्न बनते हैं, उनकी और चर्चा कर लेते हैं अपन। यहाँ से प्रश्न बनता है, वो बनेगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ चयन का साधन नहीं है। तो देखो यहाँ पर ग्रंथ चयन का साधन जो है वो डेटा इंडिया नहीं है। ग्रंथ चयन का साधन क्या नहीं है भाई, डेटा इंडिया जो है दोस्तों वो ग्रंथ चयन का क्या नहीं है, साधन नहीं है। अब दोस्तों इस डेटा इंडिया की भी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो डेटा इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इसका KVS में जो प्रश्न आया था उसकी मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, चर्चा कर देता हूँ।
दोस्तों केवीएस में इसका प्रश्न आया था, वो आया था कि डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है। तो डेटा इंडिया की आवृत्ति तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसकी आवृत्ति क्या है भाई, साप्ताहिक है। आप डेटा इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, यानी इसका पब्लिकेशन कहाँ से होता है और कब किया गया इसका पब्लिकेशन, वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इसका केवीएस में जो प्रश्न आया दोस्तों, वो आप पूछा गया कि डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है। तो डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है भाई, वीकली है। तो आप याद रखेंगे डेटा इंडिया की आवृत्ति क्या है भाई, वीकली है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। आप इसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों कि विश्वविद्यालयों में ग्रंथ चयन में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक पुस्तकालय का जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसकी क्या होती है भाई, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों, ग्रंथालय की सफलता का मुख्य कारक क्या है। तो ग्रंथों का क्या करना भाई, उचित चयन करना, यानी पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन करना एक पुस्तकालय की मुख्य सफलता का क्या है, एक जो लाइब्रेरी जो होती है उसकी सफलता का एक मुख्य क्या होता है, कारक होता है। आप ये समझ लीजिएगा कि आपके पास में मान लीजिएगा 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के यूजर्स यानी पाठक आते हैं। अब आप वहाँ पर रामायण, महाभारत, गीता, कुरान ऐसी पुस्तकों का संग्रह कर लेते हैं। दोस्तों धार्मिक पुस्तकें पढ़नी भी चाहिए ऐसी बात नहीं, लेकिन यूं समझिएगा कि एक जो बाल मन जो है यानी बच्चे जो है वो इन पुस्तकों से क्या रखते हैं, दूरी रखते हैं। उन बच्चों के लिए तो कॉमिक्स मान लीजिए, या उनके लिए कोई छोटी कहानियों की किताब मान लीजिए, या उनके लिए कोई चलचित्रों या पेंटिंग से जुड़ी पुस्तकों में उनकी क्या होता है, ज़्यादा रुचि होती है। तो वो पाठक जो हैं वो 4 से लेकर 14 वर्ष तक के जो पाठक हैं वो रामायण महाभारत की पुस्तकों में रुचि ना रख कर क्या रखेंगे, वो अन्य कॉमिक्स कहानियों और चलचित्रों की किताबों में रुचि रखेंगे। तो मान लीजिए अगर आप वहाँ 4 से 14 वर्ष तक के यूजर आते हैं और वहाँ रामायण महाभारत लेके आ जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि वो पुस्तकालय जो है वो अपनी सफलता को क्या नहीं कर पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कौन सा महत्वपूर्ण घटक है, तो पुस्तकों का चयन क्या है भाई, महत्वपूर्ण घटक है। और बात करेंगे दोस्तों, आगे प्रश्न बनता है कि मेलविन डेवी का ग्रंथ चयन जो है, पुस्तक चयन का जो सिद्धांत है उसका कौन सा कारक नहीं है। दोस्तों यहाँ भी जो उत्तर बनाया हुआ है वो थोड़ा सा आप चेंजेबल करेंगे, यहाँ उत्तर 3 बनाया हुआ है, ये सॉरी उत्तर 2 ही बनाया हुआ है, ये अपने इसमें संख्या में थोड़ा सा परिवर्तन हो रखा है, यहाँ उत्तर 2 बनाया गया है। उचित समय, उचित समय जो है दोस्तों वो आपको याद रखना है, यानी मेलविन डेवी का जो पुस्तक चयन का सिद्धांत है, जिसके लिए बहुत सारे एक्सक्यूजन होंगे कि इनका सिद्धांत है न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को, न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करना, यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को क्या प्रदान करना भाई, सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करना। यानी ये तीनों बातें, न्यूनतम लागत, तो यहाँ न्यूनतम लागत तो आ गई, सर्वोत्तम ग्रंथ आ गया, और अधिकतम क्या आ गए, पाठक आ गए, यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करना क्या नहीं है, तो आप याद रखेंगे उचित समय का यहाँ कोई विवरण नहीं है। और बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे, आगे प्रश्न है इधर की साइड से, कुछ एक प्रश्न अपने बच गए हैं। देखो ये प्रश्न बनेंगे, ये बनेंगे अपने के ग्रंथों पुस्तकालयों में छुपाई गई पुस्तकों, छुपाई गई पाठ्य सामग्री को सही स्थान पर रखने की विधि को क्या कहते हैं। तो निदानी परिशोधन है दोस्तों, यहाँ भारत नाम लगा हुआ है तो इसको आप काट लेना, यानी ये सेल्फ रेक्टिफिकेशन की क्या करता है, यहाँ चर्चा करता है। साथ ही अन्य प्रश्नों की बात करें दोस्तों, तो अन्य आगे प्रश्न है कि ग्रंथालय में वित्तीय खर्च का सूक्ष्म परीक्षण करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो सीधा सा प्रश्न उत्तर बनेगा दोस्तों, इसको लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग के नाम से इसको क्या है भाई, जाना जाता है। एक और प्रश्न इधर बन रहा है दोस्तों कि पाठकों द्वारा लौटाई गई ग्रंथों एवं पाठकों को पाठक पत्र लौटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको डिस्चार्ज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई दोस्तों, इसको याद रखना है, इसको डिस्चार्जिंग लिखा हुआ है अपने को यहाँ, तो यहाँ डिस्चार्जिंग क्या है, इसी का दूसरा नाम है। यानी पाठक जो पुस्तक है उसको यूज लेने के बाद में क्या करता है, वापस पुस्तकालय को लौटा देता है, और वापस लौटाता है, तो इसी का दूसरा नाम जो है वो ग्रंथों की वापसी या क्या कहलाता है भाई, डिस्चार्जिंग कहलाता है। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों, यहाँ से अपने 2 प्रश्न और बन गए हैं, ये 2 बनेंगे कि निम्न किसमें से कौन सी प्रबंधन की विचारधारा नहीं है, प्रबंधन की विचारधारा कौन सी नहीं है। तो देखो यहाँ पर सीधा उत्तर बना लेते हैं, अधिकार विचारधारा। देखो वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा है, मानव व्यवहार है, साथ ही क्लासिकल है। दोस्तों आपको याद रखना है, वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करें तो F.W. टेलर,
वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करें तो एफ डब्ल्यू टेलर। मानव व्यवहार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मानव व्यवहार का आपको याद रखना अल्टन मायो। अल्टन मायो जो है वो मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है, और अल्टन मायो के अलावा मानव व्यवहार से कौन जुड़ा हुआ है अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें क्लासिकल विचारधारा, तो क्लासिकल विचारधारा को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। हेनरी फियोल जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? हेनरी फियोल जो है दोस्तों वो क्लासिकल विचारधारा से क्या है भाई, जुड़े हुए हैं। यानी छोटी छोटी बातें हैं, दो तीन बार आप इनको देखेंगे या एक दो बार आप इनको पढ़ेंगे तो आसानी से क्या हो जाएंगे, ये आपको याद हो जाएंगी। तो मानव व्यवहार याद रखना है आपको, साथ ही आपको रखना है वैज्ञानिक प्रबंधन, और वैज्ञानिक प्रबंधन के अलावा बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है क्लासिकल विचारधारा। तो तीनों का स्वरूप आपको क्या रखना है, याद रखना है। अल्टन मायो के साथ में कौन था तो वो आप हमें कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न है कि ग्रंथालय चयन समिति किस सामग्री से संबंधित नहीं है, यानी पुस्तकालय का जो बुक सिलेक्शन जो है इस कमेटी में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है, तो यह है अस्थायी पाठ्य सामग्री के चयन, यानी अस्थायी पाठ्य सामग्री के चयन से अस्थायी पाठ्य सामग्री का चयन करना, ये इसके स्वरूप में क्या नहीं है, शामिल नहीं है। तो कुछ एक प्रश्न है दोस्तों, एक साथ ही शामिल कर लेते हैं, इनकी और चर्चा कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो बात करेंगे दोस्तों पत्रिकाओं के पंजीकरण की जाने वाली तल पत्रक, यानी बॉटम कार्ड और टॉप कार्ड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉटम कार्ड और टॉप कार्ड जो है दोस्तों, ये कार्डेक्स पद्धति में, कौन सी पद्धति में, कार्डेक्स पद्धति में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। साथ ही देखो यहाँ पर एक स्वरूप इसके साथ में टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड के याद में आपको याद रखना है द रोबोट कार्ड, होरिजेंटल कार्ड और कार्डेक्स, इनके स्वरूप को भी आप क्या रख सकते हैं, साथ में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है कि पत्रिकाओं के पंजीकरण की त्रिपत्रक प्रणाली, यानी थ्री कार्ड सिस्टम के जांच पत्रक का क्या उद्देश्य है, यानी थ्री कार्ड सिस्टम में जो तीन कार्ड होते हैं उन तीन कार्ड में जो चेक कार्ड होता है उस चेक कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो भी आप याद रखेंगे। चेक कार्ड का मुख्य उद्देश्य है वो है पत्रिकाओं के समय पर न प्राप्त होने पर स्मरण पत्र यानी रिमाइंडर भेजने का कार्य जो है वो किसके माध्यम से किया जा सकता है, वो चेक कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है या चेक कार्ड को देखने के बाद में किया जा सकता है। आगे दोस्तों बुक एंड्स से क्या तात्पर्य है, तो आप याद रखेंगे बुक सपोर्टर ही क्या है भाई, बुक एंड्स है तो बुक एंड क्या है, तो आप याद रखेंगे बुक सपोर्टर। इसके बाद में बात करें तो भारत में लिखा है भारत में विदेशी ग्रंथों के क्रय हेतु विदेशी विनिमय दर निर्धारण करने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों गुड ऑफिस कमेटी यानी GOC। और GOC क्या करती है, देखो भारत में विदेशी ग्रंथों के क्रय हेतु जो विदेशी विनिमय का मतलब आदान प्रदान या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रवाहित करने या भेजने की जो दर जो होती है उसका निर्धारण कौन करता है, तो गुड ऑफिस कमेटी करती है। भारत में बात करें दोस्तों इसका मुख्यालय, तो आपको याद रखना है इसका मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में स्थित है। और बात करेंगे दोस्तों और प्रश्न बनता है कि पत्रिकाओं के पंजीकरण की रंगानाथन प्रणाली का क्या नाम है, तो आप याद रखेंगे त्रिपत्रक यानी थ्री कार्ड सिस्टम, और थ्री कार्ड सिस्टम महत्वपूर्ण है दोस्तों। थ्री कार्ड सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, सन 1930 में डॉक्टर SR रंगानाथन जब मद्रास विश्वविद्यालय में होते हैं उस दौरान इस थ्री कार्ड सिस्टम पद्धति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तीन महत्वपूर्ण कार्ड होते हैं और तीनों का विशिष्ट विवरण है जिसकी अपन यहाँ चर्चा कर चुके हैं। और बात कर लेते हैं दोस्तों आगे है कि निम्नलिखित में से किसे विशिष्ट सामग्री यानी स्पेशल मटेरियल की संज्ञा दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर देखो माइक्रोफिल्म्स हैं, नक्शे हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हैं, और आगे है संदर्भ ग्रंथ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है संदर्भ ग्रंथ जो हैं उनको आप किसकी संज्ञा देंगे, स्पेशल मटेरियल की क्या देंगे भाई, संज्ञा देंगे। दोस्तों संदर्भ ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ से आप यूँ समझिएगा कि अब गागर में सागर जो डालेंगे इस वीडियो या एक दो वीडियो के बाद में, तो आपको वहाँ पर यूनिट 4 से रेफरेंस सर्विस के खूब सारे वीडियो डालेंगे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि रेफरेंस सर्विस का जनक कौन है या रेफरेंस सर्विस से संबंधित जो भी सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं उनके अपन आगे के वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे। आगे प्रश्न बनता है दोस्तों ग्रंथों का रख रखाव किस विभाग का कार्य है, तो ग्रंथों का रख रखाव जो है दोस्तों वो अनुरक्षण विभाग का, किस विभाग का कार्य है आप याद रखेंगे, कौन से विभाग का भाई, अनुरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, ग्रंथों का रख रखाव है। कौन सा विभाग, तो आप याद रखेंगे अनुरक्षण विभाग बोले तो मेंटेनेंस सेक्शन, और ये क्या करता है पुस्तकों का रख रखाव संबंधी कार्य करता है।
आगे प्रश्न बनता है दोस्तों कि ग्रंथालय में एजिल्द और सेजिल्द पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं अन्य सामयिकों के समूह को ग्रंथालय के किस समूह में रखा जाता है? तो आप यहाँ से सीधा सा याद रख लेंगे दोस्तों, ये पत्रिका विभाग में रखे जाते हैं। किस विभाग में रखे जाते हैं? यानी पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिकल सेक्शन में क्या है भाई, ये रखे जाते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, ग्रंथालय नियमों के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, सिद्धांतों में सूचनात्मक है, सहयोगात्मक है, निषेधात्मक है, लेकिन आदेशात्मक क्या है भाई, शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आप याद रखेंगे आदेशात्मक नहीं है। इधर आ जाते हैं दोस्तों, इधर बात करें तो प्रश्न बनता है कि पीटर डुकर द्वारा MBO, तो सीधा सा आपको याद रखना है MBO 1954 में पीटर डुकर बोले तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है वो सन 1954 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, याद रखना है। और बात करेंगे दोस्तों, और प्रश्न बनता है कि ग्रंथालय में प्राप्त पाठ्य सामग्री को उसके प्राप्ति क्रम में अंकित किए जाने वाले अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है परिग्रहण पंजिका बोले तो असेशन रजिस्टर के नाम से क्या है भाई, उसको जाना जाता है। किसके नाम से? तो आप याद रखेंगे असेशन रजिस्टर। पूर्व में चर्चा की है कि पुस्तकालय का कालानुक्रमिक विकास, पुस्तकालय का कालानुक्रमिक विकास दर्शाने का कार्य कौन करता है? तो असेशन रजिस्टर ही करता है। और बढ़ जाते हैं दोस्तों, और प्रश्न बनते हैं अपने इधर से, वो बनेगा कि उस अभिलेख को क्या कहते हैं जिसमें पाठ्य सामग्री को उसी क्रम में दर्शाया जाता है जिस क्रम में उसे निदानी में रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप याद रखेंगे उसे निदानी सूची, यानी उसे सेल्फ कैटलॉग के नाम से उसे जानते हैं। तो ये भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ बनता है शून्य आधारित बजट के प्रवर्तक कौन है? तो आप याद रखिएगा पीटर पायर, जिसकी अपन बात कर चुके हैं सन 1970 में यानी सन 1970 में ZBB बोले तो जीरो बेस बजट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। साथ ही दोस्तों इधर प्रश्न बनता है कि जिल्दबंदी में प्रयोग आने वाला गत्ता एक, उसके अलावा आवरण सामग्री, अत्य शीर्ष पट्टी, धागा आदि को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो यहाँ पर उत्तर बना हुआ है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उत्तर बना हुआ एक, अब देखो इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो काम में लिया जाता है धागा, सबसे पहले तो क्या लिया जाता है भाई, धागा काम में लिया जाता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों धागे के बाद में, तो आपको याद रखना है यहाँ पर अत्य शीर्ष पट्टी को शामिल किया जाता है, उसके बाद में आवरण सामग्री ऊपर लगा दी जाती है, और फिर ऊपर क्या लगा दिया जाता है भाई, गत्ता लगा दिया जाता है, और गत्ता लगा के उसकी क्या कर दी जाती है, सिलाई कर दी जाती है। दोस्तों कुछ किताबों में त्रुटियाँ हैं, तो यहाँ से एक छोटा सा त्रुटिपूर्ण कार्य मैं आपको बता देता हूँ। कुछ किताबों में लिखा रहेगा जिल्दबंदी के प्रकार, जिल्दबंदी के प्रकार, तो आपको याद रखना जिल्दबंदी के प्रकार जो होते हैं वो तीन ही प्रकार होते हैं। जिल्दबंदी के प्रकार जो होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, तीन ही प्रकार होते हैं। पहला तो होता है प्रकाशकीय केसिंग एंड पेपर बैग, प्रकाशकीय केसिंग एंड पेपर बैग। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है पुस्तकालय सुदृढ़ जिल्दबंदी, पुस्तकालय सुदृढ़ जिल्दबंदी, और तीसरी होती है पुस्तकालय जिल्दबंदी, तीसरी होती है पुस्तकालय जिल्दबंदी। अब देखो ये जो पुस्तकालय जिल्दबंदी होती है इसके अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे होता है इसमें एक होता है पूर्ण चर्म, एक होता है पूर्ण चर्म जिल्दबंदी यानी फुल लेदर बाइंडिंग, तो एक होती है हाफ लेदर बाइंडिंग यानी अर्ध चर्म जिल्दबंदी, अर्ध चर्म जिल्दबंदी। इसके बाद में होती है एक पूर्ण वस्त्र जिल्दबंदी यानी फुल क्लॉथ बाइंडिंग, और एक होती है हाफ क्लॉथ बाइंडिंग यानी अर्ध वस्त्र जिल्दबंदी, अर्ध वस्त्र जिल्दबंदी। उसके बाद में होती है कागज आवरण, कागज आवरण, फिर होता है कठोर आवरण, और उसके बाद में होता है प्लास्टिक आवरण या प्लास्टिक जिल्दबंदी। तो ये तीसरे पार्ट के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप जिल्दबंदी से जुड़ी बातें जानते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर प्रश्न दे देता हूँ। प्रश्न बनता है कि जिल्दबंदी के कुल 8 चरण होते हैं, जिल्दबंदी के कुल कितने चरण होते हैं, 8 चरण होते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो 8 चरण जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप एक बार भाई इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 8 चरण ये होते हैं। आप उन 8 चरणों का जो नाम है वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि 8 चरण कौन से हैं और कौन से चरण का नाम कहाँ आता है और किसको क्या कहा जाता है, तो ये आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। दोस्तों उन 8 चरणों में बात करें तो समाकलन जो पहला चरण बनता है यानी कलेक्शन जो पहला चरण बनता है, वो कलेक्शन जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इस बार जो 29 दिसंबर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी कलेक्शन क्या था भाई, पूछा गया था। तो आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, इसको याद रखेंगे।
आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे कि पुस्तकालय नियमों के सिद्धांतों में, ये तो आ गया था यहाँ पर आदेशात्मक। उसके बाद में निम्न में से कौन सी ग्रंथ आदान प्रदान की पद्धति नहीं है, तो आप याद रखेंगे त्रिपत्रक आदान प्रदान की पद्धति नहीं है दोस्तों। त्रिपत्र की बात करें तो ये क्या है भाई, ये पत्रिकाओं पर नियंत्रण स्थापित करने की क्या है एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन बनाते हैं सन 1930 में, क्या कर देते हैं बना देते हैं, जिनमें तीन क्या होते हैं महत्वपूर्ण कार्ड होते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों वर्ष सन 1900 में किस आदान प्रदान पद्धति का आविष्कार किया गया था, तो आप याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर न्यूयॉर्क, आप क्या कर लेंगे इसको नाम याद रख लेंगे, यहाँ पर तो न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, यह है न्यूयॉर्क पद्धति, जिसका निर्माण सन 1900 में जॉन कॉटन डाना के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, तो न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में किया गया, जिसके कारण इसे क्या नाम दिया गया, इसको न्यूयॉर्क पद्धति नाम दिया गया। तो दोस्तों एक विशिष्ट विवरण था, गागर में सागर पड़ाव था, कोशिश की है कि आपको सभी के माध्यम से एक्सप्लेनेशन किया जाए और सभी जो छोटे छोटे बिंदु हैं वो आपको भली भांति दिखाए जाएं। आपको अगर हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, साथ ही इसका जो लिंक है वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्वयं का पुस्तकालय विज्ञान का ज्ञान बढ़ाइए और दोस्तों के ज्ञान को बढ़ाने में भी सहायता कीजिए। दोस्तों कर भला तो हो भला, डू गुड एंड फाइंड गुड, अगर आप अच्छा करेंगे तो भगवान आपके लिए ज़रूर अच्छा करेगा, और उसी अच्छा करने की कड़ी में हम आपके लिए कुछ एक और नए वीडियो के साथ में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।